सब्सक्राइबर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। और आज के इस वीडियो का सेटअप सीखने से पहले कुछ जरूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मेरे नजर में आए हैं। दोस्तों, हमने अभी तक हमारे चैनल पे ऐसा कोई पेड कोर्स आपको बेचा नहीं है या हमने आपसे कोई पैसे की डिमांड कभी नहीं की है। आपने जो है हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने कभी भी आपसे पैसे की डिमांड तो की नहीं और ना ही आपको बोला है कि हमारा ये पेड कोर्स खरीदो। तो हमारा ना ही कोई पेड कोर्स है और ना ही हम लोग आपसे पैसे की डिमांड करते हैं और ना ही करेंगे। तो अगर आपसे कोई हमारे नाम पे पैसे मांग रहा है तो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कंप्लेंट कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। हम आपसे पैसे कभी नहीं मांग रहे हैं और ना ही मांगेंगे दोस्तों, ठीक है। और करंटली हमारा कोई पेड कोर्स भी नहीं है दोस्तों। तो जो भी आपसे डिमांड कर रहा है सिंपली उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। मैं आपका यहाँ पर नुकसान नहीं चाहता हूँ। काफ़ी सारे स्कैम जो हैं होते रहते हैं एक दूसरे के नाम से टेलीग्राम पर, यहाँ पर वहाँ पर, तो उनको इग्नोर कर दीजिए। मैं आपको अपनी स्पष्ट भाषा में आपको बता रहा हूँ कि हमने ना ही अभी तक किसी से पैसे लिए हैं कोर्स के बारे में या किसी सेटअप के बारे में, या आप बोलो कि हम आपको पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया है, ठीक है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। कोई अगर आप पैसे की बात कर रहे हो तो डायरेक्टली उसको ब्लॉक कर दीजिए। इससे बेहतर मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। जितना हो सके हम लोग यहाँ पर आपको फ्री में कंटेंट देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको यहाँ पर किसी ने पैसे मांगे हैं भाई, समझ जाइए आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि नहीं, ये हमारे साथ स्कैम हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जाएंगे, देखिए काफ़ी सारे ट्रेडर्स और सब्सक्राइबर्स हमें कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो सेटअप हमारा जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आपको कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट कीजिए, या नहीं तो नीचे एक व्हाट्सअप नंबर से मैंने अवेलेबल करके दिया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना क्वेरी हो या कोई सजेशन हो या कोई कंप्लेंट हो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे दे सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी होगा तो ही, नहीं तो डायरेक्टली उठ के ये मत पूछ, डायरेक्टली मैसेज मत कीजिए कि ये सेटअप कैसा काम करता है सर, वो सेटअप कैसा काम करता है, उसके लिए वीडियोस देखिए, समझ में आया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है निफ्टी का एक सेटअप जानने वाले हैं और उस सेटअप में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। देखिए हमने आपको अभी तक बहुत सारे सेटअप एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ये देखिए इतने सारे सेटअप जो है हमने आपको एक्सप्लेन किए और उन सेटअप में से आप जो भी एक सेटअप चाहो वो पकड़ लीजिए, एक सेटअप पकड़ लीजिए महीने भर तक के लिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सेटअप आपके लिए प्रॉफिटेबल है और कौन से सेटअप में आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। हर एक सेटअप की एक्यूरेसी होती है, ठीक है, हर एक सेटअप की एक्यूरेसी होती है। कोई सेटअप आपको 70% कमा के देगा, कोई 80% कमा के देगा, डिपेंड करता है, लेकिन 100% नहीं देगा, 100% नहीं देगा, इतना ही आप याद रखिए। और अभी हम लोग जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे और आज का जो सेटअप है वो सीख लेंगे धन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों अगर आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है, अगर आपके पास है तो रहने दीजिए, अगर नहीं ओपन किया है तो आप नीचे दिए गए लिंक से धन में अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास नहीं है और आप ओपन करना चाहते हो तो इस लिंक से आप आपका अकाउंट ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जाएंगे चार्ट पे और वो सेटअप जो है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्लियर है। तो सेटअप में आपको जो है दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने की, मार्केट किस पॉइंट से अपसाइड गया है या किस पॉइंट से मार्केट गिर गया है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आपको सिंपली आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी चार्ट जो देखने वाला है वो 28 जून का देखेंगे, उसके बाद में और एक दिन का हम लोग यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे और बाद में मैं आपको और दिन का जो है बैक टेस्ट का डेटा बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 28 जून का डेटा देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं 28 जून के डेटा पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये पहली कैंडल है 9:15 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाली, ठीक है, ये 15 वाली, ठीक है ये। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट जो है इस कैंडल से एक अपसाइड चला गया, कितने पॉइंट्स, लगभग यहाँ पे 111 पॉइंट, ठीक है। तो ये नोट डाउन करके देखिए कि जो मोमेंट है अपसाइड की या डाउन साइड की वो कम से कम 80 पॉइंट से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अगर 80 पॉइंट से एक पॉइंट भी कम है, ठीक है, 79 भी है, तो हम लोग यहाँ पे इसे नहीं ट्राई करेंगे, 80 पॉइंट से ज़्यादा ही चाहिए, समझ में आपको, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 80 पॉइंट से ज़्यादा हमें मोमेंट मिल गई है। तो यहाँ पे हम लोग एक जो है एक इंडिकेटर लगाएंगे फिब रिट्रेसमेंट, इसकी सेटिंग थोड़ी सी अलग है,
उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से डे लो से डे हाई लगाना है, क्योंकि डे हाई ब्रेक हुआ है पहले 5 मिनट के कैंडल का, तो आपको वो लगा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरे दिन को लगा देता हूँ, लग गया। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, इस सेटअप में आपको टारगेट भी मालूम क्या है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी मालूम क्या है, ये पता लग जाएगा। ये जो नीचे आप देख सकते हो, ये मैं इसको अभी कलर कर देता हूँ। देखिए ये जो है, ये आपका टारगेट है, ये फाइनल टारगेट है। ठीक है, और यहाँ पे जो कैंडल है जहाँ से हमने मार्क किया था, ये देखिए ये वाली कैंडल, ये आपका स्टॉप लॉस है। ये आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकते हो, 20 पॉइंट्स का या 25 मैक्सिमम। ठीक है, नहीं तो यहाँ तक रुक सकते हो। और टारगेट आपका यहाँ पे फाइनल है ये। ठीक है, इसके बेस में आपको ये जो है यहाँ पे, ये जो लो है, ये आपका पहला टारगेट है। ठीक है, उसके बाद में ये जो बीच में आएगा इसके, ये आपका सेकंड टारगेट है। ठीक है, और ये जो थर्ड वाला जो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ये फाइनल टारगेट है। ये काफ़ी मुश्किल से कभी कभी आपको मिलता है, काफ़ी मुश्किल से 10 में से 1 या 2 बार मैक्सिमम आपको ये सेटअप में फाइनल टारगेट मिलेगा। नहीं तो फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट तो मिलेंगे मिलेंगे, 70-80% चांसेस है, लेकिन जो फाइनल टारगेट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, वो 10 में से 1-2 बार ही मिलेंगे, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है आपको प्रॉफिट देने की, वो 1:3 या 4 का टारगेट भी देता है। लेकिन तब तक कोई भी रिटेल ट्रेडर नहीं रुकता है, नहीं रुकता, क्योंकि उसके पास वो पेशेंस ही नहीं रहते हैं और रुकना भी नहीं चाहिए। तो 1:2 का टारगेट मिल गया, निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंट्री कब होने वाली है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो 0.5 की लेवल आ रही है, ये लेवल, ये देखिए ये वाली लेवल है वो। ठीक है, मैं मार्क करता हूँ, ब्लैक लाइन है, आप काफ़ी लोगों को दिख रही है। इस लेवल के नीचे अगर आपको कोई कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई देगी, तो आपको यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनानी है। ठीक है, अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमें इंडेक्स के चार्ट पे मत बताइए, हमें उस पुट के चार्ट पे बताइए। तो वो भी अगर आपको देखना है तो हम लोग अभी देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद आपको लगभग यहाँ से कितने पॉइंट्स मिले, अगर सेकंड टारगेट भी लेंगे तो लगभग 106 पॉइंट्स मिले, और फाइनल अगर देखोगे तो आपको 150 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पोजीशन बनाएंगे तो हमें कौन सा पुट खरीदना है निफ्टी में, तो ये देखिए लेवल कौन सी चल रही है टाइम पे, 24116। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 24150 का पुट देख लेंगे। ठीक है, ऐड कर लिया, कितने बजे हमें करना है, लगभग यहाँ पे 10:20 के आसपास। ठीक है, 10:20 हाँ यहाँ पे कितनी प्राइस है, 187। ठीक है, 187 यहाँ पे। ठीक है, नहीं प्राइस है करंट, वो टाइम प्राइस थी 167, सॉरी। तो यहाँ से नीचे कितना गया है, 20 पॉइंट्स गया है। ठीक है, अपसाइड आप देखिए कितना गया है, 44, उसके बाद में 53 पॉइंट्स। 1 बजे यहाँ पे आपको लगभग 1 बजे तक आपको 53 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, 20 पॉइंट्स में स्टॉप लॉस, मतलब 20-25 बोला हमने, लेकिन यहाँ पे आपको 56 पॉइंट भी मिल गए 1 बजे तक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 24200 का पुट देखेंगे, 24200 का पुट, टेन 25 को कितना था, 182 था। ठीक है, 182 से कितना नीचे गया, वो 18 पॉइंट्स। ठीक है, और अपसाइड आप देखिए, मतलब सेम ही गया है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, तो यहाँ पे वो टारगेट आपको मिल जाता। और इनकेस अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी करोगे एक लॉट, तो भी आपको ज़्यादा ही पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन सेलिंग का भी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग का हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं। तो ये हो गया, ठीक है, उसके बाद में निफ्टी का चार्ट, हाँ निफ्टी का चार्ट ये हो गया, क्लियर है, मिल गया आपको एक टारगेट। ठीक है, अभी जाएंगे हम लोग यहाँ पे एक दिन पहले का, मतलब 27 जून का। ठीक है,
क्या है, ये 915 की कैंडल है, ठीक है, ये देखिए 915 की कैंडल, ठीक है। यहाँ से आप देखिए एक मोमेंट नीचे आई है, ठीक है, नीचे मोमेंट आने के बाद फिर से हमें एक अपसाइड की रैली मिली, तो हम लोग यहाँ पे फिब्रेटर स्पेंड लगाएंगे हाई से डे लो तक, ठीक है, लग गया। यहाँ पे देखिए लगभग हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी, ठीक है, यहाँ से आप मुझे स्टॉप लॉस देखिए और टारगेट देखिए, हो गया ना, मिलता है। और हमेशा हमें जो है वो, अगर आपको कॉल खरीदना है तो आपको ग्रीन कैंडल, सही ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है, छोटी मोटी ग्रीन कैंडल है, सही ग्रीन कैंडल पे आपको पोजीशन बनानी है। और यहाँ पे वो जो टारगेट है 1:2 का या 1:3 का आपको लेना ही है। तो यहाँ पे इनके साथ देखिए जो हमारा फाइनल टारगेट था वो भी मिल गया आपको, ठीक है, मिल गया कि नहीं मिल गया, तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो पॉइंट्स थे यहाँ से आप देखिए 80 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए, अगर कम है तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। सेटअप जो है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा अलग है, मैं जल्दी ही ये जो सेटअप आपको एक्सप्लेन करूँगा इस पर एक डिटेल भी वीडियो बताऊँगा, लेकिन तब तक ये आप सेटअप देख लीजिए कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से 26 जून का डेटा है, रिट्रेसमेंट यहाँ से लो तक लग गया, 0.5 की लेवल यहाँ पे है, ठीक है, फाइनल टारगेट कंप्लीट। वो पहला आपका टारगेट होने वाला है जो हाई है, वो आपका पहला टारगेट, ठीक है, सेकेंड टारगेट इन बिटवीन और थर्ड टारगेट जो फाइनल है। तो थर्ड के लिए मोस्टली मत रुकिए, एक दो टारगेट मिल रहे तो लेके मार्केट से निकल जाइए, क्लियर है। 5 मिनट से टाइम फ्रेम पे आपको ये करना है। अगर आपको ये सेटअप सच में करना है तो आप जो है पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, मैं ऐसा आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आपको रियल मार्केट में आके करना है, पेपर ट्रेड कीजिए, वर्चुअल ट्रेड कीजिए वो एक दो लॉट के साथ। और अगर आपको ये लाइव मार्केट में देखना है तो वो भी मतलब आपको बताइए, कमेंट कीजिए, जितना आप कमेंट करोगे लाइव मार्केट में हमें ऐसा सेटअप देखना है, हम लोग लाइव मार्केट में ज़रूर इस सेटअप पे आपको वीडियो बना के बताएंगे, क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट्स है कमेंट्स है तो नीचे हमने जो व्हाट्सअप नंबर दिया है या इंस्टाग्राम नंबर दिया है उस पर आप जो है कमेंट कर सकते हो, ज्वाइन कीजिए इंस्टाग्राम चैनल, वीडियोस देखिए, शॉर्ट्स देखिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और कुछ डाउट्स होंगे तो उस पर कमेंट कर दीजिए। तो ऐसे नए नए सेटअप सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग मिलेंगे विद न्यू ट्रेड न्यू सेटअप, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।